आज 6 जनवरी हमारा पिछले 24 घंटे में सभी जिला में ड्राई वेदर था और शैलो फॉग मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ जगह में हुआ है। और मिनिमम टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर हुआ है फुलवानी में 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड, भुवनेश्वर में था हमारा 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड और कोस्टा रुशिका जिला में बाकी प्लेसेस में लगभग 15 to 17 इस रेंज में है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। और इंटर उड़ीसा में 12 to 15 इस रेंज में है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। इंटर उड़ीसा में स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री मेनी प्लेसेस में ज़्यादा है और कोस्टल उड़ीसा में 1 से 2 डिग्री ज़्यादा है मेनी प्लेसेस में। तो अभी टेम्परेचर हमारा स्वाभाविक से थोड़ा ज़्यादा ही है और अगला 5 दिन के लिए हमारा जो अभी फोरकास्ट रहेगा इसमें 5 दिन ही ड्राई वेदर रहेगा। शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ कुछ जगह में हो सकता है अगला 2 दिन में, जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में कंदमान, कालाहांडी, बोरागौर, रायगढ़, कोरापुट, मलकनगिरी, मयूरभंज, भद्रक ये सब जिला में एक दो जगह में शैलो टू मॉडरेट फॉग होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में हमारा टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास रहने का चांसेस है, मेनली क्लियर स्काई रहेगा। और अभी डे टेम्परेचर डे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो डे टाइम टेम्परेचर भी थोड़ा हायर साइड ही है, अबव नॉर्मल चल रहे हैं। नॉर्मली हमारा अभी जो है अभी जो सिचुएशन इसमें हमारा वेस्टर्न डिस्टरबेंस एंड ईस्टर्ली वेव्स, इसका दोनों इंटरेक्शन हमारा वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में हो रहा है तो उड़ीसा के ऊपर ईस्टर्ली कम विंड लोअर लेवल में थोड़ा पेनिट्रेट कर रहा है तो इसीलिए टेम्परेचर्स थोड़ा हमारा हायर साइड जा रहा है। और फिर अभी 4-5 दिन तक टेम्परेचर का ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आएगा, सभी जिला में ही जो चल रहा है इसी तरह से रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। इंटर उड़ीसा में 2 to 3 डिग्री मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अबव नॉर्मल रहेगा, कोस्टल उड़ीसा में 1 or 2 डिग्री अबव नॉर्मल रहने का चांसेस है अगला 3-4 दिन तक।